दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका प्रिंस कुमावनी ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। नए दिन से एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग ना नीचे तरण खोदने गए हैं। नानू भी आ रखा है मेरे साथ, मैं भी गई हूँ और मम्मी खोद रही है ना, दिखाऊंगी आप लोगों को मम्मी को खोदते हुए। मम्मी ना यहाँ पर से खोद रही है, ये हमारे खेत में ही है ना नीचे से, तो ये घर वाला तरुण है जो लाल वाला होता है, तो हम ये भी खोदने में लगी है। अभी तरुण नहीं लगा है, तरुण ना अब लगने वाला है। तो मम्मी ने वहाँ पर वो जील निकाल के रख दिया है दराती के बगल में, ये है अभी ना तरुण नहीं निकल रखा है। तरुण ना लगने लग गए हैं तो इतने निकाल दिए हैं और खोद रही है। अभी सिस्टर भी आई है यहाँ खोदने में लगी है। अब ना तरुण निकलने लग गए हैं, ये देखो यहाँ पर निकाल के रख दिए हैं। और मम्मी भी ना ये मिट्टी पीछे को कर रही है यहाँ, और ज़्यादा ज़्यादा गहरा गड्ढा खोदना पड़ा है। सिस्टर वहाँ चली गई है वो गड्ढे के अंदर। हम लोग ने ना इतने तरुण तो निकाल दिए हैं, ये अभी भी और निकलेगा बल, और टूट रखा है, बोल रही है सिस्टर अंदर से। ये यहाँ से खोद रही है देखो ऐसे। और ये मम्मी है मेरी यहाँ पर, मम्मी भी आई है, नानू भी आ रखा है मेरा। ये मम्मी लोग ना यहाँ पर फिर से इतना चौड़ा गड्ढा खोदने में लग गए हैं। तरुण ना इस साइड को आ रखे हैं, यहाँ से मम्मी खोद रही है, वहाँ से सिस्टर खोद रही है। ये सब यहाँ पर मिट्टी मिट्टी आ रखी है। और नानू भी हमारा ये पत्थर उठाने में लगा है, हेल्प कर रहा है मम्मी लोगों की। फिर से ना एक और पत्थर लग गया है, मम्मी के बस का भी नहीं था, सिस्टर के बस का भी नहीं, और अब भाभी आ गई। अब ना मेरी भाभी खोदने लग गई हैं, भाभी खोद लेते हैं शायद, बहुत बड़ा पत्थर लग रखा है ना, वो निकालने में लगे हैं। अब मम्मी भी हिम्मत हार गई और सिस्टर भी हिम्मत हार गई, ये दोनों ऐसे खड़े हो रखे हैं। और भाभी को बुलाया मैंने आप खोद करके, भाभी खोदते हैं अब तरुण, फिर दिखाऊंगी आप लोगों को कितने खोद दिए करके। भाभी ने ना पत्थर निकाल दिया है, और पत्थर निकाल के उस साइड डाल दिया है। इतने सारे पत्थर निकल रखे हैं ये, और अब तरुण निकालेंगे। वो अभी भी ना उतने बड़े बड़े पत्थर निकल रहे हैं वो। हम लोग ना तरुण खोद के घर आ गए हैं, तो तरुण दिखाती हूँ आप लोगों को कितने निकले हैं। ये देखो ऐसे वाले तरुण है ना, जो पहाड़ी तरुण होते हैं, लाल वाला घर वाला तरुण। तो एक ज़्यादा नहीं निकला ना, पत्थर लग गया था वहाँ, और वो पत्थर नहीं निकला, फिर भी बहुत निकल रखे हैं। इतने तरुण निकल रखे हैं ना, ये मैं ले जाऊँगी अपने घर को यहाँ से। हम लोगों का ना अभी रेस्ट चला है, तो तरुण खोद के आए हैं। अभी मम्मी लोग भी सब बैठ गए हैं, चाय पानी पियेंगे अब, फिर जो दूसरे काम के लिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी ना यहाँ पर छाया हो रखी है, देखो हमारे घर के पास आधे आंगन में धूप है, आधे में छाया है, तो हम लोग छाया में बैठे हैं ना, धूप में बैठने लायक नहीं हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है धूप में बैठने में हम लोगों को। अभी ना दक्षु और हमारा नानू भी खेल कर रहे हैं, नानू वो है और दक्षु भी है वहाँ पर। मम्मी दक्षु को पैंट पहना रही है, वो दक्षु ना वैसे दीवाली दीवाल चल रहा है मम्मी के साथ, हाथ पकड़ के वहाँ पर चले गया है वो छोटी वाली सिस्टर के पास। बुआ मैं आपके पास बैठता हूँ बल, और नानू ना यहाँ पर बैठ गया हमारा, ये दोनों खेल कर रहे हैं। कभी कभी ना ये दोनों में छीना झपटपी हो जा रही है, आपस में लड़ जा रहे हैं दोनों। नानू ने ना हमारे हाथ में दो कटोरियाँ भी पकड़ी हैं, और वो है बिल्ली। बिल्ली को कैसे पकड़ता है नानू देखना है। वो उसने नानू ने ना बिल्ली पकड़ ली है, बिल्ली को ना बहुत ज़्यादा अच्छा मानता है हमारा नानू। वो बिल्ली को पकड़ के अपनी गोद में बैठाता है, म्याऊं म्याऊं करता है उसके लिए। पकड़े नानू बिल्ली को, इधर लेके आओ, लेके आओ बेटा। वो नानू ने ना बिल्ली पकड़ ली है, और बिल्ली को यहाँ लेके आ गया है हमारा नानू। ये देखो ये आ गई बिल्ली, और बिल्ली को ना इसने यहाँ से नीचे खेत में फेंक दिया है। बिल्ली नीचे चली गई है वो खेत में। मेरे ना जाने की तैयारी हो रही है, तो मम्मी ने उखाड़ दिया है पालक। पालक भी धो रही है यहाँ पर है नल के पास, टब में रख रखे हैं। अभी ना धनिया भी उखाड़ना है, इतना सारा पालक उखाड़ रखा है मम्मी ने, ये पहाड़ी पालक।
पालक तो ना मम्मी ने उखाड़ दिया है, तो मैं धनिया उखाड़ी हूँ अपने लिए। खेत में गई हूँ धनिया उखाड़ने। मैं ना अभी लहसुन के खेत में गई हूँ और ये धनिया उखाड़ी हूँ। यहाँ से धनिया भी ले जा रही हूँ ना। पहाड़ी धनिया अच्छा होता है, सब्जी या दाल में डालो तो धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है पहाड़ी वाले। तो धनिया उठाती हूँ दो चार मुट्ठे मैंने ना यहाँ से ले जाने के लिए। तो अपने लिए हरा धनिया भी उखाड़ रखा है। देखो हरा धनिया कितना अच्छा रखा है ना, पहाड़ी धनिया है, इतना उखाड़ लिया है मैंने। और पालक भी ले जाऊँगी, बहुत इतना धनिया फिर ख़राब हो जाता है ना। हम लोगों ने ना धनिया पालक उखाड़ दिया है और सेट भी कर दिया है। अब यहाँ पकौड़ी बन रही हैं, भाभी और सिस्टर पकौड़ी बना रहे हैं दोनों। देखो रसोई में बैठे हैं और बिल्ली भी बैठी है वहाँ पर, उसको भी ना पकौड़ी खाने का इंतज़ार हो रहा है। हमारे ना पकौड़ी बन के रेडी हो गई हैं, तो लगा दी मेरे लिए भी पकौड़ी और चटनी। मम्मी लोग भी खाएंगे अभी।